टॉप पीवाई पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइज हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच का प्रीव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हमारा प्रीव्यू 7 सेगमेंट्स में रहेगा। पहला सेगमेंट रहेगा मैच इन्फो, दूसरा हेड टू हेड रिकॉर्ड, तीसरा सेगमेंट प्लेइंग 11 या प्रोवेल प्लेइंग 11, चौथा सेगमेंट प्लेयर्स बैटल, पांचवा सेगमेंट रहेगा हमारा नंबर्स गेम और छठा सेगमेंट रहेगा ड्रीम 11 टीम, जहां पे हम आपको ग्रैंड लीग्स और स्मॉल लीग्स के लिए टीम देंगे और सातवां सेगमेंट रहेगा हमारा मैच प्रेडिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले सेगमेंट के साथ, दैट इज मैच इन्फो। तो मैच है आज सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स, और टाइमिंग की बात करते हैं इस मैच की तो शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। और वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे एवरेज परसेंटिंग टोटल अभी तक लास्ट 5 गेम्स की बात कर रहे हैं तो लास्ट 5 गेम्स के अंदर एवरेज परसेंटिंग टोटल रहा है 150। लास्ट 5 गेम्स की बात करते हैं तो चेसिंग करते हुए टीम लगातार 5 मैच जीती है, तो यहाँ पे चेसिंग करने वाली टीम कंटिन्यू जीत रही है। और यहाँ पे आई थिंक ट्रेंड बन जाएगा कि जो टीम चेस जो कैप्टन टॉस जीतेगा वो चेस करना चाहेगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, दैट इज हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो अभी तक 17 मैचेस खेले गए हैं सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में, जिसमें से 12 मैचेस जीते हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने और 5 मैचेस जीते हैं सिर्फ पंजाब किंग्स ने। तो बिल्कुल रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है। और भाई इंडियन लेग के मुकाबले की बात करें तो इंडियन लेग के दौरान जो मुकाबला हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में, तब भी मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने ही जीता था। तो बिल्कुल पलड़ा सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में है, बट हल्का सा रिकॉर्ड इस समय पॉइंट टेबल की बात करें तो हल्का सा पलड़ा पंजाब किंग्स की तरफ झुका हुआ है। और प्लेइंग 11 को भी देखें तो भी पंजाब किंग्स की तरफ हल्का सा पलड़ा हमें झुका हुआ दिखेगा। अब चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की ओर, दैट इज प्रोवेल प्लेइंग 11। तो पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्रोवेल प्लेइंग 11 की, तो वहाँ पे हमें ओपन करते दिखेंगे डेविड वार्नर और उनके साथ रिद्धिमान साहब विकेटकीपर हैं। बट डाउन पे आपको कैप्टन केन विलियमसन दिखेंगे, 4 नंबर पे आपको मनीष पांडे दिखेंगे, 5 नंबर पे केदार यादव, 6 नंबर पे आपको जेसन होल्डर दिखेंगे, 7 नंबर पे अब्दुल समद, 8 नंबर पे राशिद खान, 9 नंबर पे भुवनेश्वर कुमार, 10 नंबर पर संदीप शर्मा और 11 नंबर पर खलील अहमद। तो ये थी सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 और यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सारे प्लेयर्स वो अवेलेबल हैं और जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो यही है, क्योंकि टी नटराजन अभी अवेलेबल नहीं है। जब वो अवेलेबल हो जाएंगे तो आई थिंक वो रिप्लेस करेंगे संदीप शर्मा को। अब चलते हैं पंजाब किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की ओर, तो वहाँ पे आई थिंक 2 या 3 चेंजेस जरूर होंगे क्योंकि क्रिस जॉर्डन अवेलेबल हो जाएंगे इस मैच के लिए, नैथन एलिस अवेलेबल हो जाएंगे और शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पे आप 3 स्पिनर्स के साथ शायद नहीं उतरना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा पिछले मैच जो हुआ था, कल मैच हुआ था सीएसके और आरसीबी के बीच, वहाँ पे काफ़ी टर्न देखने को मिला, बट फिर भी कोई भी कैप्टन 3 स्पिनर्स के साथ आई थिंक नहीं प्रेफर करना चाहेगा। तो आई थिंक 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे पंजाब किंग्स, तो यहाँ पे चेंजेस होने ही वाले हैं। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की ओर चलते हैं पंजाब किंग्स की, तो वहाँ पे हमें ओपन करते दिखेंगे केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, बन डाउन पे आपको दिखेंगे एडन मार्करम, 4 नंबर पे आपको दिखेंगे निकोलस पूरन, 5 नंबर पे आपको दिखेंगे दीपक हुड्डा, 6 नंबर पे आपको दिखेंगे फेवियन एलन, 7 नंबर पे क्रिस जॉर्डन, 8 नंबर पे आपको दिखेंगे हरप्रीत बरार और 9 नंबर पे आपको दिखेंगे अर्शदीप सिंह, 10 नंबर पे आपको दिखेंगे मोहम्मद शमी और 11 नंबर पे आपको दिखेंगे रवि बिश्नोई। अब चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट की ओर, दैट इज प्लेयर्स बैटल। तो इस मैच में 2 बहुत ही की प्लेयर्स बैटल हैं जो कि ओपनर्स और स्विंग बॉलर्स के बीच में। पहली प्लेयर बैटल की बात करते हैं तो पहली प्लेयर बैटल है केएल राहुल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। यहाँ पे रिकॉर्ड मैं कह सकता हूँ कि दोनों के बीच में बराबर है, वो भी का रिकॉर्ड अच्छा है और केएल राहुल का भी रिकॉर्ड अच्छा है। 59 रन बनाए हैं अभी तक केएल राहुल ने भुवनेश्वर कुमार के सामने 52 बॉल खेल के, सिर्फ 113 का स्ट्राइक रेट है सिर्फ, लेकिन सिर्फ 1 बार आउट किया, तो स्ट्राइक रेट जरूर कम है बट भुवनेश्वर कुमार ज़्यादा बार आउट नहीं कर पाए केएल राहुल को। तो आई थिंक इसी वजह से आई थिंक हम इसे बराबर का पलड़ा बोलेंगे और यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी कि आज इस प्लेयर बैटल में कौन जीतता है। अब चलते हैं अपने दूसरी की प्लेयर बैटल की ओर, तो दूसरी की प्लेयर बैटल है वो है डेविड वार्नर वर्सेस मोहम्मद शमी। यहाँ पे हम रिकॉर्ड की डायरेक्ट बात करते हैं तो रिकॉर्ड में 97 रन बनाए हैं डेविड वार्नर ने, 65 बॉल्स खेल के 149 का स्ट्राइक रेट है और सिर्फ 1 बार आउट किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से पलड़ा डेविड वार्नर के पक्ष में। और जब बात करते हैं ग्राउंड की, तो ग्राउंड है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, तो वहाँ पे छोटे ग्राउंड पे और भी अच्छा रिकॉर्ड अपना कर सकते हैं डेविड वार्नर। अब चलते हैं अपने पांचवें सेगमेंट की ओर, दैट इज नंबर्स गेम। तो पहले नंबर्स गेम की हम बात करते हैं। पहला नंबर्स गेम है डेविड वार्नर को लेकर। डेविड वार्नर को सिर्फ 53 रन और चाहिए हैं आईपीएल हिस्ट्री के अंदर अपने 5500 रन पूरे करने के लिए, और अगर वो इस मैच में अपने 5500 रन पूरे कर लेते हैं तो थर्ड प्लेयर टू डू सो, यानी कि तीसरे प्लेयर हो जाएंगे जिनके आईपीएल हिस्ट्री के अंदर 5500 रन हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर्स गेम की ओर, तो दूसरा नंबर्स गेम है मयंक अग्रवाल को लेकर। मयंक अग्रवाल को सिर्फ 3 और छक्के चाहिए हैं
अपने आईपीएल में 50 सिक्सेस पूरे करने के लिए, तो आई थिंक ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी मयंक के लिए, क्योंकि मयंक काफ़ी समय से खेल रहे हैं बट अभी उन्हें पिछले 2 या 3 साल से कंसिस्टेंटली चांस मिल रहे हैं, जब से वो किंग्स इलेवन पंजाब या पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं तब से उन्हें कंसिस्टेंट चांस मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें चांस नहीं मिलते थे, इसी वजह से उन्हें इतना ज़्यादा टाइम लगा है। अब चलते हैं अपने छठे सेगमेंट की ओर, दैट इज ड्रीम इलेवन टीम। तो आपको मैं बता दूँ कि मैं अपनी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजता हूँ शाम को या फिर अभी जब मैच स्टार्ट होने से पहले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे मैं आपको डिफरेंशियल पिक्स भी देता हूँ, टॉपिक्स भी देता हूँ। और अभी मैं अपनी आपको इनिशियल टीम बता दूँ, तो मेरी इनिशियल टीम में है विकेट कीपर्स में रिद्धिमान शाह और लोकेश राहुल, ये 2 विकेट कीपर्स मैंने ले रखा है। रिद्धिमान शाह आपको 8.5 पॉइंट से मिलेंगे क्रेडिट में मिलेंगे, लोकेश राहुल आपको 11 क्रेडिट में मिलेंगे। बैट्समैन की बात करते हैं तो बैटर्स में आपको डेविड वॉर्नर विद 10 पॉइंट्स, मनीष पांडे विद 9 पॉइंट्स, मयंक अग्रवाल विद 9.5 पॉइंट्स और मयंक एडन मार्करम विद 8.5 पॉइंट्स। अब चलते हैं हम ऑलराउंडर्स की ओर, तो ऑलराउंडर्स में मैंने सिर्फ जेसन होल्डर को लिया है, जेसन होल्डर आपको 9 पॉइंट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पिन ऑलराउंडर्स की तरफ तरजीह नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि शारजाह में आपको स्पिन ऑलराउंडर ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं देंगे। और अब चलते हैं बॉलर्स की ओर, तो बॉलर्स में मैंने क्रिस जॉर्डन को लिया है विद 8.5 पॉइंट्स, राशिद खान विद 8.5 पॉइंट्स, खलील अहमद विद 8 पॉइंट्स और अर्शदीप सिंह विद 8.5 पॉइंट। आपको मैं वापस एक बार फिर से रिपीट कर दूँ अपनी टीम, जहाँ पे मैंने बात कर दूँ विकेट कीपर्स में रिद्धिमान शाह, लोकेश राहुल, बैटर्स की बात करते हैं तो बैटर्स में डेविड वॉर्नर, मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल और एडन मार्करम। और ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो ऑलराउंडर्स में मैंने ले रखा है जेसन होल्डर को। बॉलर्स की बात करते हैं तो बॉलर्स में क्रिस जॉर्डन, राशिद खान, खलील अहमद और अर्शदीप सिंह। तो ये थी मेरी पूरी ड्रीम इलेवन टीम, आपको टीम कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप इस टीम में क्या चेंज कर सकते हैं या फिर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा क्या आप करें या फिर ना करें। अब चलते हैं अपने सातवें सेगमेंट की ओर, दैट इज मैच प्रेडिक्शन। तो इस मैच के लिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सनराइजर्स हैदराबाद टू विन दिस मैच। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।